कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कुंदरू की सब्जी और पराठा बनाएंगे। तो कुंदरू देखिए मैंने गोल स्लाइस में कट कर लिया है, ले लिया है थोड़ी सी मिर्ची, ले लिए पंचफोरन मसाला ले लिए है, जिसमें मेथी दाना, सरसों, राई और ये सौंफ है और कलौंजी है। तो गैस की तरफ आ गए हैं, कढ़ाई में डाल दिया है हमने मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले हम डाल देंगे प्याज और मिर्ची को, फिर हम डाल देंगे पंचफोरन मसाला, फिर हम डाल देंगे अपने कट किए हुए कुंदरू को। तो ये कुंदरू की भुजिया सब्जी हम बना रहे हैं और इसको टमाटर या कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो अभी हमें इसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड करना है, सिर्फ इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से भूनना है तकरीबन 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक हम प्लेट को ढक के अब हम थोड़ा सा इसमें मसाला ऐड करेंगे 5 मिनट के बाद। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा इसमें हम आमचूर का पाउडर भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप आम भी इसमें कट करके डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे, बहुत ही मस्त सब्जी लगती है पैन। तो अभी हम कुंदरू को गलने तक 10 मिनट तक और इसको कुक करेंगे, लेकिन इसमें हमको पानी नहीं ऐड करना है। कुरकुरी करारेदार कुंदरू की सब्जी हमारी बनके तैयार है। तो बताइएगा सब्जी हमारी कैसे लगी। तो चलिए पराठे बनाते हैं फ्रेंड्स। तो भुजिया बनाने के बाद हम बाहर आए हैं, देखें बहुत तेज़ से बारिश होने लगी है फ्रेंड्स, तो मौसम तो बड़ा ख़राब हो गया। तो चलिए फिर पराठा स्टार्ट करते हैं बनाना। पराठे क्योंकि बच्चे आज टिफ़िन में ले जाएंगे सब्जी पराठा, तो बस उसी की तैयारी हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट गर्मा गर्म पराठे भी बना लेते हैं, क्योंकि गर्मी है तो थोड़ा सा पराठा ठंडा करके टिफ़िन में रखना होता है। क्योंकि जब भी आप गर्मियों में बच्चों को लंच दें तो थोड़ा सा ठंडा करके लंच दें, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम प्लास्टिक के डिब्बे में लंच रख रहे हैं बच्चों का, तो लंच जो होता है वो थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे में लंच देना सही नहीं होता है। प्लास्टिक का डिब्बा होता है, प्लास्टिक हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छा होता है। अगर आप प्लास्टिक के डिब्बे में दे रहे हैं तो लंच को ठंडा करके दें। तो बस इसीलिए हम पराठा बना रहे हैं, जिससे जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए फटाफट पराठे हम बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। तो छोटे से ब्लॉग के साथ एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मिलते हैं। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए बाय।